ये होता है। अब यहाँ पर मेरे को वोल्टेज नहीं दे रखा है, यहाँ पर ईएमएफ दे रखा है। तो देखिए पहला पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। जब पोटेंशियोमीटर को ए और बी के बीच में कनेक्ट करेंगे तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना है, सिर्फ ई1। ठीक है, कनेक्ट द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 300 सेंटीमीटर। यहाँ एल होता है लेंथ ऑफ द वायर, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर बोल देते हैं उसको। ठीक, तो वी की जगह आ जाएगा बेटा ई1, वी की जगह आ जाएगा ई1। और जो के है वो तो पूरा जो वायर है वो तो सेम है, तो के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो कांस्टेंट होता है, तो के एज इट इज रहेगा। और लेंथ कितना दे रखा है, 300 सेंटीमीटर, व्हेन इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, व्हेन कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। एक तो ये दे दिया, अच्छा लेंथ कितना है यहाँ पर, 300 सेंटीमीटर, तो E1 इज गुड इक्वल, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, E1 इज इक्वल टू K इनटू 300। ये हो गया, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इन्होंने क्या दिया, ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर वायर। हाँ बेटा, आपने अभी यही करा, बस अभी यही करवाया, अभी यही करवाया, बस क्वेश्चन लिखा है और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ये है कि एक ये वायर दे रखा है, इस वायर में दो बैटरीज लगा रखी हैं, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर पर न्यूमेरिकल्स हैं जो आते हैं एग्जाम्स में। तो अब इसमें क्या, इन्होंने बोला कि जब ए और बी के बीच में पोटेंशियोमीटर को ए और बी के बीच में लगा, ए और बी टर्मिनल्स पर लगाया जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ है 300 सेंटीमीटर। तो ए और बी के बीच में प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का ये होता है V इज इक्वल टू KM। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सिर्फ ईएमएफ के बराबर, ई1। के तो कांस्टेंट होता है वो एज इट इज, और लेंथ कितनी दे रखी है, 300 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बोल रहे हैं ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी, सेम पोटेंशियोमीटर को अब आप ए टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करेंगे, तो ए टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। हम इस तरह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो आप ये देखिए, पहले आएगा E1, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये सीरीज में जब कनेक्टेड है ना ईएमएफ, तो सीरीज में ईएमएफ ऐड अप हो जाती है। तो ये वाला देखो पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, और जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये सीधा सीधा कनेक्टेड नहीं है, ये उल्टा कनेक्टेड है, इसमें नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में है, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। तो ये हो जाएगा प्लस का E1 और ये हो जाएगा माइनस का E2, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज समझ गए कि नहीं, ये चीज समझ गए कि E1 माइनस E2 कैसे होगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव पहले है और यहां पर नेगेटिव पहले है। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के इंटू, यहां बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, के इंटू 100। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल यही बेसिक सा फंडा है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का, कि वोल्टेज इज इक्वल टू के इनटू एल, बस ये। तो मुझे वोल्टेज की जरूरत होती है और लेंथ ऑफ वायर की जरूरत होती है, और कुछ नहीं चाहिए। अब हम कहेंगे डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। मुझे करना क्या है इसमें, मैं यहां पर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 एंड E2, E1 और E2 का रेशियो निकालना चाहता हूँ। ये हो जाएगा E1 माइनस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू, ये क्या है, K इंटू 100 अपॉन, ये क्या है, K इंटू 300। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, K से K कैंसिल, इनको स्प्लिट करिए, तो ये हो जाएगा E1 अपॉन E1 माइनस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1/3। E1 अपॉन E1 यानी कि 1 हो गया, तो 1 माइनस E2 अपॉन E1, 1 माइनस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1/3। 1 को ऊपर ले जाओ तो माइनस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1, तो माइनस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2/3। माइनस से माइनस कैंसिल और मुझे रेशियो निकालना है E1 अपॉन E2, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 3/2 होता है।
बताइए जी, समझ में आ गया तीनों को? आपने आ गया ये वाला क्वेश्चन? रेशियो है 3/2। सर आपने अभी यही करवाया? इतनी का क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। 2012 का है, सीबीएसई का क्वेश्चन है। In the figure, a long uniform potentiometer wire AB along potentiometer wire AB is having a constant potential gradient along its length. Is having a constant potential gradient along its length. Constant potential gradient along its length. Full stop. The null points for the two primary cells. The null points for the two primary cells. The null points for the two primary cells of EMFs E1 and E2. Connected in the manner, primary cells of EMFs E1 and E2 connected in the manner shown are obtained at a distance of connected in the manner shown. Are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from the end A. 120 centimeter and 300 centimeter from the end A. From the end, capital A, full stop. Find, ये इस तरफ कर रहा हूं, find E1 upon E2, first है E1 upon E2, E1 upon E2, और second है the position of null point for the cell E1. The position of null point for the cell E1. ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, मैं डायग्राम बनाता हूं और फिर रिकॉल करवाता हूं कि ये null point क्या था। डायग्राम ये दे रखा है कि इधर पॉइंट है A और इधर पॉइंट है B. पॉइंट A और पॉइंट B, और पोटेंशियोमीटर जो होता है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ही, दो पॉइंट्स लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी,
पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो वायर का अरेंजमेंट होता है वो ही डिवाइस होती है हमारी पोटेंशियो मीटर। तो वो पूरी डिवाइस बनाकर नहीं दिया है उन्होंने, बस ये बता दिया कि ये पोटेंशियो मीटर है और इस पोटेंशियो मीटर में ए से बी के बीच में पोटेंशियो मीटर है और ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है और एक रियोस्टैट कनेक्टेड हो, है ना। ये आपको ध्यान नहीं होगा मैंने करवाया था। और शिवांगी अगर तुमने वीडियो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, शिवांगी और रितिका, तो यहां पर ये जो ए है, ए से दो बैटरीज कनेक्टेड हैं E1 और E2 और अलग अलग मैनर में कनेक्टेड है। एक बार E1 ऐसे है और E2 ऐसे है। और ये जो एरो है, दिस एरो इंडिकेट्स क्या, ये एरो होता है जॉकी, ठीक। तो इसको मैंने बोल दिया E1 और ये इसका ये मतलब दूसरी बैटरी का E2। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये बैलेंसिंग लेंथ है बेटा, बैलेंसिंग लेंथ को नल पॉइंट भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। एक तरीका तो ये है कनेक्ट करने का दो बैटरीज को, और एक तरीका ये दे रखा है E1 और E2, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। एक तरीका पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एक तरीका सीधा सीधा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इन दोनों को कनेक्ट किया, अब बैलेंसिंग लेंथ यहां पर कितना आ रहा है, कितना ये आ रहा है 300 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। ये जो बैलेंसिंग लेंथ होती है, तो बैलेंसिंग लेंथ में जो ये वाला पॉइंट होता है ना, जहां पर जॉकी लगातार मूव करता रहता है, वो मूव कब तक करेगा। ये जो बैटरी है, ये बैटरी हम अपनी तरफ से लगाते हैं पोटेंशियो मीटर में, हम अपनी तरफ से बैटरी लगाते हैं, और वो जो बैटरी होती है, वो बैटरी और यहाँ पर जो पॉइंट ए है और जो जॉकी है, इनके बीच में जो जो भी हम बैटरी लगाते हैं, जिनका हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, तो क्या होता है कि ये वाली बैटरी और इधर वाला जो भी कॉम्बिनेशन है, उसका वोल्टेज जो है वो सेम होने तक जॉकी लगातार ऐसे 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 वेरी करता रहता है। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है बेटा, एक मिनट के लिए वीडियो पॉज होगी प्लीज, ठीक है। तो लगातार ये वाली बैटरी और जो भी मैं ए पॉइंट और जॉकी के बीच में जो भी मैं बैटरी लगाता हूँ, तो जॉकी लगातार मूव करता रहता है जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। दोनों का वोल्टेज सेम होने का मतलब क्या है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो मतलब नल। इसीलिए इस वाले पॉइंट को हम नल पॉइंट बोल देते हैं, कि जिस पॉइंट पर जॉकी रुका, उस पॉइंट वो जहां पर रुका है, तो तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का जीरो हो गया, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो जब पोटेंशियल सेम है, मान लो इसका भी 10 वोल्ट और इसका भी 10 वोल्ट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। तो इसलिए इसको नल पॉइंट बोल देते हैं। तो दो कॉम्बिनेशन इन्होंने अलग अलग दिए, एक बार बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से बैटरी कनेक्टेड है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से कनेक्टेड है। तो इस केस में नल पॉइंट है 120 सेंटीमीटर में, और इस पॉइंट पर नल पॉइंट है 300 सेंटीमीटर। तो अब इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले आपको रेशो बताना है E1 अपॉन E2। तो E1 अपॉन E2 रेशो निकालेंगे। निकालने से पहले देखो, कई बार क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा लंबा बना देते हैं, वो लंबा बनाकर देखने में डर लगता है जैसे पता नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है, जबकि कुछ नहीं है। In the figure, a long potentiometer wire is having a constant potential gradient along its length. ठीक है, ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी। जो potentiometer wire होता है ना, उसका potential gradient, यानी कि ये k, ये constant ही होता है पूरे potentiometer के लिए, वो k की value constant होती है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। खैर छोड़ो। The null point for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in the manner shown. दो manner हैं, एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से। तो इस मैनर का नल पॉइंट 120 सेंटीमीटर, और इस वाले मैनर में जो कनेक्ट करा, तो इसका नल पॉइंट 300 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। और हमेशा नल पॉइंट फ्रॉम एंड ए ही निकाला जाता है, ए और जे, जे इज फॉर जॉकी। तो ए और जे, ए और जॉकी के बीच में निकाला जाता है नल पॉइंट। अब मेरे को E1 अपॉन E2 निकालना है, मैं इधर कर रहा हूँ इसको।
बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? देखिए अब मैं अगर पहले केस की बात करता हूं तो मेरा टोटल जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इवन है यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव ये फिर नेगेटिव, तो इधर पहले प्लस आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, तो इवन माइनस ई टू इज इक्वल टू के इंटू 120 by principle of potentiometer, by principle of potentiometer E1 minus E2 is equal to K into 120, K into 120, ठीक है? ये हो गया बेटा equation number 1. फिर दूसरा मैंने देखिए यहाँ पर पहले प्लस आ रहा है फिर पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों बैक टू बैक, ये पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, तो E1 plus E2 is equal to K into 300 सेंटीमीटर, E1 plus E2 is equal to K into 300, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. दोनों को बेटा ऐड कर दीजिए, ऐड 1 एंड 2 दोनों को ऐड करिए, तो माइनस E2 plus E2 कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ E1 is equal to 300 plus, ये कितना हो गया k into 420 by 300 पे k plus 120 k कितना हो जाएगा 420 k, तो ये हो गया 210, तो E1 is equal to 210 k, ये हो गया, ठीक है? Put this value in any equation, इस value को किसी भी equation में रखिए. मान लो मैंने इसको सेकंड इक्वेशन में रख दिया क्योंकि मुझे अब E2 की वैल्यू निकालनी है, तो E1 plus E2 is equal to 300k, तो E1 कितना है 210k plus E2 is equal to 300k, तो E2 is equal to 300 minus 210 कितना हो जाएगा बेटा 90k, तो E1 की वैल्यू 210k, E2 की वैल्यू 90k, E1 upon E2 ये कितना आ गया 210k upon 90k, k से k cancel, 0 से 0 cancel, 3 7 जा और 3 3 जा, बेटा ये आ रहा है 7 upon 3, बताइए समझ में आया कि नहीं? E1 upon E2 7 upon 3 आएगा, ये समझ गए? बोलिए एक बार, जो आपने ऊपर इक्वेशंस बनाई है नहीं आया समझ में? सर जो ऊपर इक्वेशंस बनाई है दोनों इवन, इक्वेशंस दोबारा बता देता हूँ. देखो जब भी मैं कहता हूँ कि मुझे ए पॉइंट और इस वाला ये जो पॉइंट है ये है जे पॉइंट, है ना, ये भी इसको जे वन बोल दो, इसको जे टू बोल दो, जे इस फॉर जॉकी, तो ए और जॉकी के बीच में हम ये बोलेंगे टोटल हमारा ईएमएफ कितना हो जाएगा. तो बेटा टोटल ईएमएफ मैं देखूंगा, ये प्लस इवन है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो प्लस का इवन माइनस का E2, प्लस का इवन माइनस का E2 इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस है k इनटू 120, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है, समझ गए? यस सर. पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है v इज इक्वल टू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू k इनटू लेंथ, और दूसरे केस में देखो ये E1 का पॉजिटिव टर्मिनल, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस का E1 प्लस का E2 इज इक्वल टू 300 इनटू k, प्लस का E1 प्लस का E2 इज इक्वल टू 300 इनटू k, समझ गए? यस सर. ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब ये पूछ रहे हैं सेकंड मेड ऑफ पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1, कि अगर सिर्फ सेल E1 होता, अगर सिर्फ सेल E1 होता तो E1 के लिए नल पॉइंट की पोजीशन क्या होती ये बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास ये वैल्यू आ गई E1 is equal to 200 upon k, है ना? तो
इधर का फॉर्म उसको तो एक तरह से ये देखिएगा कि जब e1 minus e2 is equal to 120k हो गया 120k हो गया ठीक है तो ये लेंथ भी तो 120 सेंटीमीटर ही थी है ना ये लेंथ 120 सेंटीमीटर थी हमने ये कहा कि इसी तरह से e1 plus e2 ये 300k हो गया तो मैं k को एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि k जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर है जब भी कभी किसी क्वेश्चन में कोई तरीका ना दे रखा हो तो कोई मेथड ना दे रखा हो के निकालने के लिए या कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना दे रखा हो तो हम जनरली के को वन मानकर चलते हैं ठीक तो हम ये कहेंगे कि हियर एज देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ देखो यहाँ ये बैटरी दे रखी है और ये रियोस्टैट दे रखा है रियोस्टैट सिर्फ रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है और किसी भी तरीके का कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा बेटा 1 ठीक देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 सिंस e1 इज इक्वल टू इतना 210k e1 इज इक्वल टू 210 into k तो आप ये देखिएगा कि यहां पर भी हम ये बोलेंगे कि होता क्या है e1 is equal to l into k और k into l तो ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी हो गई it implies that l is equal to 210 centimeter ये समझ में आया कि नहीं बताइए भाई जनरली पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है v is equal to k into l तो e1 is equal to k into 210 तो ये जो 210 है ये लेंथ ही तो होगा तो यही डन पॉइंट हो गया e1 का बताइए समझ गए कि नहीं अरे आकृति और शिवांगी दोनों को आवाज आ रही है तो बताओ समझ गए यस सर समझ शिवांगी आवाज आ रही है यस सर चलिए जी उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां नोट करूंगा क्वेश्चन ये मिटा रहा हूं क्वेश्चन है इन अ पोटेंशियोमीटर अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड नेगलिजिबल रेजिस्टेंस इन अ पोटेंशियोमीटर अ दिखाई दे रहा अ स्टैंडर्ड सेल of EMF 5 volt and of negligible resistance maintains a steady current and of negligible resistance maintains a steady current maintains a steady current through the potentiometer wire of length 5 meter through the potentiometer wire of length 5 मीटर पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर फुल स्टॉप
two primary cells of EMF E1 and E2 are joined in series. Two primary cells of EMFs E1 and E2 are joined in series. Are joined in series with the first part has same polarity. First part has same polarity and second part has opposite polarity. And second part has opposite polarity. Then the combination is connected through a galvanometer and a jockey. The combination is connected through a galvanometer and jockey. Galvanometer and jockey to the potentiometer. Full stop. The balancing lengths in the two cases are found to be the balancing lengths in the two cases are found to be 350 centimeter and 350 centimeter and 50 centimeter respectively. The first part I draw the necessary circuit diagram. Second, I find the value of the EMFs of the two cells. बेटा मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ पीछे मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट डायग्राम. Draw the circuit diagram or second layer. Find the value of the EMFs of the two cells. Find the value of the EMFs of the value of the EMFs of the two cells. ठीक है. अब जरा देखिएगा जब इन्होंने बोला आप यहां तक ये समझिएगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे वही वाले आते हैं पोटेंशियोमीटर में कि एक बार सेम पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लगा दिया इसको पॉजिटिव नेगेटिव. This is known as same polarity, ठीक है. और ये है बेटा opposite polarity. Opposite polarity मतलब poles. Poles क्या होते हैं? Positive pole और negative pole. मतलब positive terminal और negative terminal. तो इनको opposite polarity बोलते हैं कि पहले positive negative ऐसे लगा हुआ था अब पलट कर लगा दिया कि पहले negative फिर positive. तो this is known as opposite polarity. तो इन्होंने क्या दे रखा है सबसे पहले इन्हें potentiometer. इन्हें potentiometer
In a potentiometer, a standard cell of EMF 5 volt and of negligible resistance maintains a steady current through the potentiometer wire of length 5 meter. पोटेंशियोमीटर की पूरी जो लेंथ है वो मुझे 5 मीटर दे रखी है, वो बोल रहे हैं कि वो एक स्टेडी करंट मेंटेन रखता है, ठीक है। और जो वैल्यू है पोटेंशियल की, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो इसमें पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी, और पोटेंशियोमीटर की टोटल लेंथ क्या है वो भी नहीं दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर दे रखी है तो इसका कुछ मतलब है, ठीक। तो अब बोल रहे हैं टू प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर जॉइंड इन सीरीज विद सेम पोलैरिटी एंड अपोजिट पोलैरिटी। जब भी कभी आपके पास कोई भी सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी वाला डायग्राम बनाने के लिए आएगा, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएंगे। कोई भी पोटेंशियोमीटर का अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है, जो कि हर साल आता है, ठीक, तो पोटेंशियोमीटर वाले ने आप किसी तरीके से बनाएंगे ए और बी, ये दो आप टर्मिनल्स लेंगे, दो टर्मिनल्स के बीच में यहाँ पर आप एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, यहाँ पर आप एक रेसिस्टेंस लगा के एरो लगा देंगे, इसका मतलब होता है रियोस्टैट, इट इज यूज फॉर मेजरिंग रेसिस्टेंस। और फिर आप एक बार तो E1 माइनस E2 वाला लेंगे और एक बार E1 प्लस E2 वाला, तो दो केसेस लेंगे। तो जरा देखो, इन्होंने सबसे पहले यही पूछा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे? द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। कॉम्बिनेशन को गैल्वेनोमीटर और जॉकी के थ्रू कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। अच्छा, द बैलेंसिंग लेंथ इन द टू केसेस आर फाउंड टू बी 350 सेंटीमीटर इन द टू केसेस। तो पहला केस क्या है? सेम पोलैरिटी। दूसरा केस क्या है? अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी में 50 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? बिल्कुल इसी तरीके का। बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? पहले ये बताओ। यस सर। क्वेश्चन नोट कर लिया? समझ में भी आ गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में भी आ गया ना? अब देखिए यार, इसमें क्या करेंगे, जब डायग्राम बनाएंगे इसका फर्स्ट पार्ट, ए और बी ये हो गया, उसके बाद इन्होंने बोला है द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका होगा? दो सेल्स का जिनका ईएमएफ है E1 और E2, उनका कॉम्बिनेशन जो है इज कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी टू द पोटेंशियोमीटर। एंड ये जो पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर का में हमने एक बैटरी लगा रखी है 5 वोल्ट की, जैसे यहाँ पर बैटरी और रियोस्टेट लगता ही लगता है, हम तो 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है इस बार मेरे को। मैंने क्या करा, यहाँ पर लगा दी 5 वोल्ट की बैटरी। वो पूछे या ना पूछे, आपको रियोस्टेट लगाना ही है, बल्कि रियोस्टेट के साथ साथ हमें की भी लगाते हैं यहाँ पर टू स्विच द पोटेंशियोमीटर ऑन एंड ऑफ। तो ये की हो गई, ये रियोस्टेट हो गया आर एच। इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ नहीं दे रखा, नहीं तो वो भी देते, ठीक है। अच्छा, वायर की लेंथ दे रखी है 5 मीटर, उसकी बात अभी बाद में करते हैं। पहले देखो कॉम्बिनेशन, सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी में कितना है? 350 सेंटीमीटर। तो E1 और E2 और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर और लगाएंगे क्योंकि दे रखा है ऐसा, और ये हो गया हमारा जॉकी, है ना। ये हो गया E1 और ये हो गया E2, पॉजिटिव और पॉजिटिव, सेम पोलैरिटी वाला। तो बेटा ये जो डिस्टेंस दे रखा है, सेम पोलैरिटी वाला डिस्टेंस दिया है हमको 350 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बात करेंगे अपोजिट पोलैरिटी की। अपोजिट पोलैरिटी में जो बैलेंसिंग लेंथ है, यानी कि नल पॉइंट है, वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अपोजिट पोलैरिटी में क्या करेंगे? ये है E1 और ये है E2, ठीक है। कैसे भाई? यहां पर प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस, उल्टा दे रखा है, और ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर। इस केस में जॉकी यहां पर जाकर अटक जाएगा, तो ये नल पॉइंट है। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है? सिर्फ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो ये तो डायग्राम हो गया। पोटेंशियोमीटर का कोई भी डायग्राम आएगा इसी तरीके से बनाएंगे आप, ए बी, एक केस दूसरा केस, ऊपर एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट, इस तरीके से बनाएंगे। ये करने के बाद में
उसके बाद उन्होंने ये रखा है कि पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ 5 वोल्ट है और उसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर। तो हमेशा हमें याद रखना है, देखो ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हमें लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में रखना होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा भाई प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, भाई प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V is equal to K into L। तो ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये वाले दो केसेस की बात ही नहीं कर रहा। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर खुद पोटेंशियोमीटर पर भी तो लागू होगा, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर की ईएमएफ कितनी दे रखी है, 5 वोल्ट हो गया। के यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे नहीं पता कितना है, लेंथ दे रखी है 5 मीटर, तो 5 मीटर को मैं बोलूंगा 500 सेंटीमीटर। याद रखना पोटेंशियोमीटर में लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में ली जाती है। ये हो गया 500 सेंटीमीटर। अब ये नीचे आ जाएगा तो K is equal to कितना हो गया, 5/500, मतलब 1/100, मतलब 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। भाई ऊपर क्या था, ऊपर वोल्ट था और नीचे सेंटीमीटर, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। बताइए के की वैल्यू 0.01 समझ में आ गई? Yes, sir। उसके बाद अब जो दो अलग अलग केसेस हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बेटा रटा रटा आया, सर्किट डायग्राम एक जैसा ही बनेगा हमेशा पोटेंशियोमीटर का। उसमें कोई आपको नई कहानी नहीं करनी है जब तक वो कोई आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना दे, ठीक। तो ये मेरे पास K की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अब मुझे E1 E2 ये अलग अलग देखेंगे केसेस को। पहले ये वाला देखेंगे, इसमें सेम पोलैरिटी है, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू 350। ठीक है। फिर दूसरा केस देखो, E1 ये पहले पॉजिटिव टर्मिनल है, अब पहले नेगेटिव टर्मिनल है, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 50। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 50। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग बोथ, तो प्लस E2 माइनस E2 कैंसिल आउट हो गया। E1 प्लस E1 कितना हो गया, 2E1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 400 K, ये कितना हो जाएगा 200 K। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 200 मल्टीप्लाइड बाय K की वैल्यू में निकाल चुका हूँ 0.01 पॉइंट गया नीचे आ गया 100, कैंसिल आउट हो गया। तो E1 की वैल्यू आ गई बेटा 2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि E1 की जो ये वैल्यू आई थी मेरे पास 200 K, तो इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। द वैल्यू ऑफ E1 इन फर्स्ट इक्वेशन यहां डाल दो E1 प्लस E2 में, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 350 K, और E1 की वैल्यू आई थी बेटा 200 K, तो 200 K प्लस E2 is equal to 350 K, so E2 is equal to 350 K minus 200 K, ये कितना हो गया 150 K, तो E2 की वैल्यू आ गई 150 K। अब आप क्या कर लिया इसमें, 150 multiplied by K की वैल्यू कितनी है 0.01 पॉइंट आया, नीचे 100 आया, एक जीरो से ये गया 15 आ गया बेटा 1.5 वोल्ट। तो E1 की और E2 की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो E1 की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट और इसकी वैल्यू आ गई 1.5 वोल्ट। बताइए जी समझ में आ गया? Yes, sir। ठीक है, चलिए अब अगर ये क्लियर है तो इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, यहां मिटा दूंगा ये वाला पूरा क्वेश्चन। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने देखा कि सारे क्वेश्चंस थे, तो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में मेरे को कोई
रेजिस्टेंस नहीं देगा, खत्म पोटेंशियोमीटर वायर का, अब रेजिस्टेंस भी होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, ये मिटा दो। ये ज्यादातर सारे क्वेश्चन किसी टाइप के आएंगे, एक टाइप और देखते हैं। चलिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ये चीजें जो दे रखी है ना, ये सब पोटेंशियोमीटर की, मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं आप देखना, पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है के, वो कांस्टेंट होता है हमेशा। जैसे अभी ये क्वेश्चन में मेंशन था कि कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो कांस्टेंट ही होता है भाई हमेशा। ठीक, यहाँ पर ये दे रखा है 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। वायर पोटेंशियोमीटर की हमेशा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, कहीं बिल्कुल सेम होता है। तो ये बार बार ये चीज देते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा ऐसा बनाने के लिए कि हाँ भाई कुछ टफ है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस बस ये चीज नहीं दी है कि अब वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस है, और 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज अ पोटेंशियोमीटर, इसको पोटेंशियोमीटर की तरह यूज करा जाता है वायर को, इज यूज्ड एज अ पोटेंशियोमीटर। फुल स्टॉप, दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, दिस वायर is connected in series with a battery of 5 volt. यही वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक, और इसको 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। डायग्राम लगभग ऐसा ही बनेगा, ठीक। अच्छा, with a battery of 5 volt along with an external resistance of 480 ohm along with an external resistance of 480 ohm, इसके साथ एक external resistance भी लगा दिया जाता है 480 ohm का, ठीक है। Full stop. If an unknown EMF E is balanced at 600 centimeter of this wire, if an unknown EMF E is balanced at 600 centimeter of this potentiometer wire, comma, calculate the potential gradient of the potentiometer, calculate first part a potential gradient of the potential gradient of the potentiometer, second part है the value of the unknown EMF E, the value of the unknown EMF E, unknown EMF जो है उसकी value बतानी है, ठीक है।
ये है पूरा क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें वो वाला फंडा नहीं दे रखा है कि दो सेल्स हैं, एक सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट होता है, एक अपोजिट पोलैरिटी के साथ, ये वो वाला नहीं है, ये उससे थोड़ा अलग है। इसमें हमको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी दे रखा है और पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का रेसिस्टेंस भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, तो पोटेंशियोमीटर वायर क्या होती है, एक स्ट्रेट वायर ए बी, ठीक है। तो एक स्ट्रेट वायर में ए बी बना दूंगा सबसे पहले, हमने एक वायर बना दी ए बी। अब जब हम ए बी बनाते हैं तो हमें एक यहां पर वो भी बनाना होता है, एक बैटरी। वो बैटरी इन्होंने दे रखी है कि दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट बैटरी होती है, अलोंग विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम। अब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है 480 ओम। देखो जी, बैटरी हो गई 5 वोल्ट की और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 480 ओम का, और यहां पर हमें रियोस्टेट तो लगाते ही हैं, रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है, इसको यहां कनेक्ट कर दिया। मैंने की नहीं लगाई, चाहो तो की लगा दो, चाहे तो मत लगाओ, वो कोई बात नहीं। ये हो गया। इसके बाद में अब इफ एन अननोन ईएमएफ इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर, तो एक ही ईएमएफ है ई, जैसे पहले केसेस में दो थी ना ई1 और ई2, यहां पर एक है बस, तो वो हमेशा ए और जे, ए और जॉकी के बीच में होती है। तो ये ईएमएफ हो गया ई और ये हो गया हमारा जॉकी। तो इट इज गेटिंग बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर और यहां तक वाली लेंथ है 600 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। ठीक, डायग्राम तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे पोटेंशियोमीटर वायर में करंट कितनी है, ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट कितनी है। सबसे पहले करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, तो क्योंकि अगर मैं यहां देखूं ए से लेकर बी तक ये पूरा का पूरा एक लूप कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सर्किट है। पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस कितना है, अब ये देखेंगे कि भाई हम ए से स्टार्ट हुए और घूम फिर कर हम वापस ए पर आ गए, तो पोटेंशियोमीटर का वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, 480 ओम। ये रेसिस्टेंसेस बैक टू बैक सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है और ये 480 ओम है, तो हम ये कहेंगे कि करंट क्या हो जाएगा पोटेंशियोमीटर वायर में, आई इज इक्वल टू 5 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना कितना दे रखा है, 480 प्लस 20। ये समझ में आता है कि नहीं, ये बता दो पहले, तो ये समझ में आता है कि नहीं, बता दीजिए। हाँ जी बताइए, कुछ पूछना है, नहीं। देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम, तो पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का रेजिस्टेंस दे रखा है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर कनेक्टेड है और दे रखा है कनेक्टेड इन सीरीज 5 वोल्ट की बैटरी अलोंग विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वोल्टेज कितनी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो अभी मैं पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में जो कांस्टेंट स्टेडी करंट है, मैं उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, देखा ये हो जाएगा मेरे पास 5 upon 500, यानी कि 0.01 एम्पियर। मुझे लगता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 0.01 एम्पियर आ गया। फिर हम देखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, रेसिस्टेंस निकालेंगे, रेसिस्टेंस तो दे रखा है हमको, रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, केवल पोटेंशियोमीटर के रेसिस्टेंस की बात करते हैं जरा हम। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है पोटेंशियोमीटर का,
तो सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो मतलब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, वो मैंने बोल दिया आर ए बी, वो मुझे दे रखा है 20 ओम। ठीक है, तो जब ये दे दिया तो अब मैं ये निकालूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, पोटेंशियोमीटर में करंट है इतना, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है इतना। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I into resistance, बोलो। Yes sir. भाई देखिए, जो करंट मुझे निकालना था ना, तो करंट इन सीरीज, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो पूरे सर्किट को लेकर करंट निकाला जाएगा। उसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर कितना दे रखा है, 20 ओम, और पोटेंशियोमीटर में पूरा क्योंकि सीरीज में है, ये मतलब पूरा का पूरा पहले बोला। बताइए दोबारा क्या चीज सर, जैसे पहले आपने बोला वो रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं दिया वो वाइब्रेशन। हाँ बता रहा हूँ कि जैसे हमने करंट निकाला, तो करंट कैसे निकाला, इन्होंने दे रखा है कि जो पोटेंशियोमीटर है ना, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी अलोंग विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम, और इस पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। 5 वोल्ट इसकी बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी थी, वोल्टेज दे रखी थी, तो 5/500 कितना हो गया, 0.01 एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना है पोटेंशियोमीटर का, अब सिर्फ पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं, वो दे रखा है 20 ओम। ठीक है, पर करंट ये पूरे सर्किट में सेम रहेगा क्योंकि सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट 0.01। करंट और रेसिस्टेंस को एड कर देंगे तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस across potentiometer, potentiometer का potential difference आ जाएगा कितना, I into RAB, तो इसमें potential drop कितना है वो आ जाएगा 0.01 multiplied by 20, point गया नीचे आ गया 100, 80 से 80 कट गया, 2/10 यानी कि 0.2 वोल्ट। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, 0.2 वोल्ट। अच्छा, लेंथ पोटेंशियोमीटर की कुछ लेंथ दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 10 मीटर लॉन्ग वायर है ना, तो 10 मीटर लॉन्ग वायर दे रखा है, तो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर बिल्कुल 10 मीटर दे रखी है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एल इज इक्वल टू 10 मीटर, तो 10 के आगे 2 जीरो और देगा, तो मतलब 1000 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के हम जानते हैं V क्या होता है, V इज इक्वल टू K इनटू L, तो K क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट K इज इक्वल टू V अपॉन L, और V कितना है, V, ये जो मैंने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस V, ये है 0.2 वोल्ट, 0.2 अपॉन लेंथ कितना है 1000, तो ये हो गया 0.0002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बताइए जी, इतना समझ गए, कितना समझ गए, पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब जब पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गया तो ईएमएफ की वैल्यू भी समझ में आ जाएगी। जो ईएमएफ है यही कर देता हूं, देयरफॉर ईएमएफ कैपिटल ई, ये क्या हो जाएगा, के इनटू, ये तो लेंथ की पोटेंशियोमीटर वायर की, तो वो जो बैलेंसिंग लेंथ है 600 मीटर उसका बेटा, नहीं सर, 0.0002 मल्टीप्लाइड बाय 600, पॉइंट गया नीचे आएगा 1 2 3 4, 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 2 जा इतना 12, तो 0.12 वोल्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ गए। तो पोटेंशियोमीटर के सफिशिएंट है ये जो न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं, इसके अलग कोई टाइप का न्यूमेरिकल नहीं आता, चाहे एनसीईआरटी चेक कर लो
या पिछले साल के पेपर चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। अब अगली क्लास आपकी लेता हूँ परसों, परसों संडे है, संडे को भी क्लास लूंगा मैं, तो संडे को आप लोगों से पूछकर, यानी कि कल सैटरडे है, आप लोगों से पूछकर कि कौन सा टाइम कंफर्टेबल है उस टाइम ले लूंगा क्लास। अगर अभी बता सकते हो तो अभी बता दो संडे को किस टाइम ले लूं क्लास,